नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों, उत्तर प्रदेश से लगातार एक के बाद एक क्राइम की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। कल आपको हमने खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से रश्मि यादव की जो महिला दरोगा थी उनकी हत्या करके फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। वहीं आज की बात करें तो आज एक खबर नई निकलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लड़के का शव संदिग्ध हालत में घर के पास में स्थित एक गार्डन में मिलता है। उसके घर वालों ने इसकी हत्या का आरोप उसके दोस्तों पर लगाया है। तमाम ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, जिसमें योगी सरकार कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। साथियों, आपको बता दें, रश्मि यादव के परिजनों से मिलने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि जो अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर घटित किए जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जात वाले गुंडे कर रहे हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने रश्मि यादव के परिजनों से मिलते हुए, पहले आप ये पूरा वीडियो सुनिए। दुख है इस बात का कि जिसने पढ़ाई कर करके, मेहनत कर करके और परीक्षा पास कर करके नौकरी पाई हो, और नौकरी इसलिए पाई कि वो जनता की सेवा करना चाहती थी, लेकिन इन परिस्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। और जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो लोकल जानकारी मिली है, वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर था। और जो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए, क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और जिस जिले में ये घटना हुई है उस जिले में ऊपर से नीचे पुलिस कप्तान कौन है? क्या मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? उस थाने में जो अभी पोस्टिंग पाकर गया है, क्या वो मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने का देख लें, मुख्यमंत्री की खुद जाति के लोग बैठ करके अन्याय कर रहे हैं। इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या हो गई और पुलिस सो रही है। साथियों, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की और अपने प्रदेश की जनता को भयमुक्त होने का आश्वासन दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम खबरों को देखते हुए लगता है कि उत्तर प्रदेश में आम जनता भयमुक्त नहीं, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के गुंडे और अपराधी ही भयमुक्त हैं। इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक इस प्रकार की घटनाएं सामने निकलकर सामने आ रही हैं। साथियों, देखना यह बाकी है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में रामराज लाने का जो सपना देखते हैं और जनता से रामराज स्थापित करने का जो वादा करते हैं, आश्वासन देते हैं, क्या हकीकत में राम राज्य की परिभाषा यही है? तो मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, क्या हकीकत में राम राज्य की परिभाषा यही है कि प्रदेश की आम जनता के साथ अन्याय अत्याचार होते रहे, एक जाति विशेष के लोग एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके हत्या कर दे, क्या यही राम राज्य है? या उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं है? या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था संभालने में फेल नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है साथियों, अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।